देखिए जी, अभी मैं 5 मिनट पहले मैं गांधरबल से वायल तक, वायल ब्रिज तक आया हूँ। तो रास्ते में इतनी वो जो डीसी साहब ने वो ऑर्डर भी किया था 1 हफ्ता पहले कि जितने भी ये डैमेज, जिसका डैमेज होने से खतरा है, जो ये पेड़ पौधे हैं रोड के नज़दीक, दरख्त जो है उसे ब्रांच कटिंग का उसने ऑर्डर किया था। लेकिन अब थोड़े ना डीसी साहब खुद आ जाएगा ब्रांच कटिंग करने के लिए। जो मैं अब मेरी तरफ से आपकी वसादत से उन सरपंच साहिबानों से मेरी गुजारिश है, जितने भी नागपुर से लेके वायल तक या कंगन से आगे सोनमर्ग के जितने भी सरपंच साहिबान या BDC साहिबान या DDC है, उनको उस ऑर्डर को थोड़ा फॉलो करना है ताकि लोगों को भी राहत मिल जाएगा, कोई कैजुअल्टी होने का भी कैजुअल्टी होने से भी बच जाएंगे लोग। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी ये इन्होंने ये जो टीन का शेड ऊपर से बनाया, इसका छत टूट गया था, इसका दुकान कंपलेक्स का ये भी हवा से उड़ गया। आप इनको जितने भी यहाँ पे कंपलेक्स वाले जो है, जो दुकानदार, ये शॉपकीपर्स है, जो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि जो इनके ऊपर से छत करते हैं, ये एक साइड से कर लेते हैं, लेकिन उनको ये जहन में नहीं रहता कि चलते रोड से चलते लोगों को इसे प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉपरली इनको बंद करना चाहिए दो साइड से। और आपकी वसादत से मैं फिर से सरपंच साहिबानों को गुजारिश करता हूँ कि उस DC साहब ने जो ऑर्डर किया था ये ब्रांच कटिंग का रोड इस नेशनल हाईवे पे, तो उन पे थोड़ी उन पे तो जो ग्राउंड लेवल पे जितने भी चाहे वो डिपार्टमेंट के कंसर्न मुलाजमीन हैं या सरपंच साहिबान हैं, उनको थोड़ा फॉलो करना है कि इसी हफ्ते में ये कटनी चाहिए कि ब्रांच कटिंग होनी चाहिए, चाहे चनार के पेड़ है, चाहे ये जितने भी पेड़ है ये नज़दीक हाईवे के नज़दीक जो है उसकी ब्रांच कटिंग होनी चाहिए। शेख साहब, अहम बात आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारी जगहों पर जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है, खसूसन जो LT वगैरह है, वो इन्हीं दरख्तों पर है, चिनार्स पर है, वो सीधा हो गया ऑलरेडी, वो आपको नहीं लग रहा खतरा है क्योंकि बारिश होने के साथ उनमें भी जो है आग लग जाती है, हादसा हो जाते हैं? बिल्कुल, हमने उस पर भी बात की थी इससे पहले, लेकिन उसमें क्या किया कि जो PDD डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत वहाँ से गांधरबल से लेके वायल तक मैंने जो खुद देखा है अपनी आंखों से, उन्होंने ब्रांच कटिंग की है, लेकिन वो तो कितना कर सकेंगे, उन्होंने वैसे ही ब्रांच कटिंग किया जिसे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। लेकिन जो असल में जो ब्रांच कटिंग होनी चाहिए पूरा, जो जिस पेड़ से जो खतरा है वो पेड़ कटना ही चाहिए पूरा, लेकिन वो तो ग्राउंड लेवल पे, जो ग्राउंड जीरो पे चाहे सरपंच है या पांच साहिबान जो भी कोई है, उनको थोड़ा फॉलो करना है अपने अपने एरियाज में। जैसे मेरा एरिया वायल पड़ता है, मैं अपने एरिया को उसमें फॉलो करूंगा कि कम से कम इसी हफ्ते में कटनी चाहिए। आपको पता है पिछले 1 महीने से तो शाम के वक्त 5 बजे के बाद हवा तूफान इतना जोर से आ रहा है और बारिश भी हो रही है, तो मुश्किल होता है कि रोड से चलना, बहुत सारी गाड़ियों को भी नुकसान हो गया है और जानी और माली नुकसान भी हो गया है पिछले 1 महीने से। थैंक यू सर।